ये जो देखा कॉम्पैक्ट मेरा किरदार का नाम तो है पठान और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली एक थ्रिलर, एक नार्को चीफ प्ले कर रहा हूँ तो बस उससे ज़्यादा भी क्योंकि एक थ्रिलर है ना उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इट विल बी राइट ऑन माई पार्ट टू सेम हो। और जहाँ तक कि OTT का सवाल है डेफिनेटली एक न्यू अपॉर्चुनिटी, अभी इनफैक्ट इस साल में एक अजीब सा साल रहा है सबके लिए, ख़राब सा, बट पर्सनली वर्क फ्रंट पे मेरे लिए थोड़ा अच्छा ही रहा है, यू नो अजीब ही ढंग से, मतलब द ईयर स्टार्टेड विद द फिल्म विद ऑपरेशन परिंदे विद संजय गढ़वी एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन Zee5 प्रीमियम, उसके बाद आई थी हमारी हुज योर डैडी ऑल्ट और इसके ऊपर Zee5 पे थी, वो भी कॉमेडी करने को मिल गई मुझे, यू नो करना चाहता था वो मिल गया करने को, सीरीज थी उसके बाद फिर अभी हाल ही में वो पॉइजन 2 रिलीज़ हुआ, वो एक थ्रिलर है वो भी एक सीरीज है, अभी 11 दिसंबर को तोरबाज आ रही है नेटफ्लिक्स पे, तो यू नो काफ़ी कुछ मतलब करने को मिला और ऑल अक्रॉस यू नो ऑल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, बीट नेटफ्लिक्स बीट Zee5 बीट से ऑल्ट एंड दिस इज़ नाउ अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर, तो अच्छा है। टाइम में फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पहला शो किया था ना उसका नाम था द टेस्ट केस, तो टेस्ट केस उस वक्त ओल्ड बालाजी पर था और क्योंकि मैं सिनेमा से हूँ तो उस वक्त पता नहीं था कि नेटफ्लिक्स मतलब ये जो है सीरीज क्या होता क्या है, तो नागेश कुकनूर थे डायरेक्टर और नेचुरली एकता मैम वॉज अ बिग पार्ट है उनकी ऑल्ट, और प्रोड्यूसर मेरे थे एंडेमोल, तो बहुत नया लगा था मुझे वो एक्सपीरियंस 2017-18 में ना, कभी ऐसा एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल ब्रांड न्यू था और इतना तब आया नहीं था इधर इतना अवेयरनेस नहीं था, ये नहीं था कि मतलब रोज़ एक आध कुछ हो रहा है, तो मुझे लगा कि करते हैं, वो नरेशन बहुत अच्छा था उनका और दूसरा ये था कि आर्मी के ऊपर था, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर था, इंडियाज़ फर्स्ट पैरा मिलिट्री कमांडो यू नो एज अ वूमन, अभी इनफैक्ट Season 2 करने वाले हैं हम फेब में उसका, तो ये आपके सवाल से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वो भी एक शुरुआती लग रही थी, अभी वो ओल्ड और आज ओल्ड कहाँ पहुँच गया, तो ऐसे ही शुरुआत कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती है इंसान को और फिर उस शुरुआत से धीरे 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 बूंदें बढ़ती रहती हैं, ग्लास बढ़ जाता है, कई बार नहीं भर पाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच सिंसेरिटी एंड द एफर्ट द प्लेटफॉर्म पुट्स इन इटसेल्फ। सर नॉट ओनली वेब सीरीज मतलब बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्मों में बहुत काम किया आपने और बहुत अच्छे रोल्स किए, लेकिन आप देख रहे हैं कि साउथ फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड में काफ़ी बन रहा है, कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं कुछ नहीं है, रीमेक जो कल्चर है खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ भी काफ़ी सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं राइटर्स हैं, वो जो रीमेक कल्चर आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं या बेनिफिशियल मानते हैं?
आई कॉन्ट सी उसमें आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट बिकॉज सी मैं तो एक्टर हूँ और एक कलाकार होते हुए मेरा तो काम यही है कि वो डायरेक्टर मुझे जो कहेगा वो मुझे करके डिलीवर करना है चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो। तो जहाँ तक कि यहाँ का सवाल है तो ये हो जाता है कि पीपल डोंट वॉन्ट टू टेक दैट मेनी रिस्क। एक स्टोरी है टेस्टेड ट्राइड स्टोरी है वो डायरेक्टर अभी नहीं रहे अजय साहब के साथ तब्बू जी के साथ तो वो फिल्म बनाई थी वो थ्रिलर फिल्म थी ना क्या नाम है वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे ब्यूटीफुल फिल्म है निशिकांत कामत फिल्म जो मराठी में पहले यू नो निशिकांत कामत ने डायरेक्ट करी थी मलयालम उसकी ओरिजिनल फिल्म है दृश्यम तो अच्छी लगी थी ओरिजिनल कहते हैं और बेटर थी या कम थी या जो भी है सो कंपैरेटिव विल ऑलवेज बी देयर देन कबीर सिंह यू नो ओरिजिनल वन वाज मेड इन तेलुगु सो सक्सेसफुल एंड सम पीपल समटाइम्स यू आर नॉट सक्सेसफुल सो वैसे ही है कि कोई इसलिए तो बनाता नहीं है प्रोजेक्ट की यार चलो एक खराब प्रोजेक्ट बनाते हैं बनाता तो इसी इच्छा से है कि चलो अच्छा कुछ करते हैं। इनफैक्ट लॉरेंस साहब जिन्होंने अभी लक्ष्मी बॉम्ब बनाई इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी हिट दी थी तेलुगु में उसका नाम था मास जो कि मेरी वन ऑफ द बेटर बिगर हिट्स हैं तेलुगु में। फिर प्रभु देवा जी जो इधर अभी काफ़ी काम करते हैं उनके साथ मैंने फिल्म करी थी पौर्णमी तेलुगु में अभी कह रहे हैं थ्री विक्रम श्रीनिवास जी यहाँ पे आ रहे हैं उनके साथ मैंने करी थी अत्टू। राजमौली साहब जिन्होंने कि एशिया की सबसे बड़ी हिट थी है वो पार्ट वन पार्ट टू बाहुबली उन्होंने मुझे स्टेट अवार्ड दिलाया था तेलुगु में सिमात्री के लिए। तो अच्छा ये लग रहा है कि यार इन डायरेक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं रस्ते और कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और अभी वो हिंदी में आ रहे हैं। See, I'll tell you what, my father was a very decorated officer in real life. Can I please jump in and just hijack your... Why not? You and just say hi, please. How are you? How are you doing? How are you? I'm so good. I'm wearing a mask. Going away. I'll catch up soon. Please catch up. So, usme yeh hai ki... जहाँ तक इसका सवाल है इस रोल का क्योंकि मेरे ना डैड रियल लाइफ में एक डेकोरेटेड कॉप थे। इनफैक्ट एक 1971 का एक नागरवाला केस है जो अभी भी गूगल पे आप खोलोगे नागरवाला इफ यू टाइप आउट विल गेट अ नेम देयर मिस्टर हरिदेव में दैट वाज माय फादर लास्ट ईयर ही पास्ट अवे सो ही क्रैक्ड द केस एंड दो गैलेंट्री अवार्ड्स लिए उन्होंने दो डिफरेंट प्रेजिडेंट्स से 26 जनवरी सो एक ऑफिसर को घर से रोज़ जाते हुए पूरी लाइफ निकल के देखते हुए यू नो हम कोलंबस में होते थे। एक मेरे स्कूल का मुझे याद है एक बच्चा भी किडनैप हुआ था इनफैक्ट शाहरुख साहब वॉज नाइस एनफ टू ट्वीट अबाउट इट ऑन हिज व्हेन ही पास्ड अवे के वी ऑल यूज्ड टू बी इंस्पायर्ड हियरिंग स्टोरीज इन स्कूल ही वाज दैट लाइक रियली लेजेंडरी माय डैड ना इन टर्म्स ऑफ द पुलिस फोर्सेज। तो अभी इसमें मैं क्या समझाऊँ वो कोतवाली के ऊपर रहा हूँ मैं एक होस्टिंग में उनकी मैं कल 6 साल रहे हैं हम स्टेशन में जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी प्रेसिडेंट स्टेट के पीछे था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्लोजेस्ट सिक्योरिटी में थे और मेरी पैदाइश उस वक्त प्रेसिडेंट स्टेट पे हुई थी तो मेरे ख्याल 4.5 साल वहाँ रहे थे डैड के साथ। फिर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन जो कि चाणक्यपुरी वन ऑफ द बेटर मतलब डिप्लोमेटिक एरिया माना जाता है दिल्ली में वहाँ रहे थे डैड वहाँ के हेड रहे थे 7-8 साल। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो कि जहाँ बोट क्लब जहाँ आप देखते हैं रैलीज वैलीज हो रही हैं वहाँ आई थिंक डैड वाज असिस्टेंट कमिश्नर फॉर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। तो यू नो एक मतलब घर में माहौल ही एक मतलब समझ लीजिए कि 58 तक की रिटायरमेंट तक का सुबह से रोज़ जाना आना मुझे याद है। इनफैक्ट जो दंगे हुए थे जिसमें 84 के सिख राइट्स हुए थे जो उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने फादर को 17 दिन हुए अभी भी याद है घर पे देखा नहीं था वो ज़माना था कर वाले फ़ोन्स का। मैं तो अभी स्कूल में था छोटा था स्कूल में एहसास भी नहीं होता था कि हुआ क्या एक्चुअली उसमें हम लोगों को लगता था छुट्टी है इतना था नहीं इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे गूगल नहीं था वो सब था नहीं तो अवेयरनेस वॉज लेसर इन दोज डेज। तो यू नो सो इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन आई थिंक इट आंसर्स एवरीथिंग दैट यू नो लाइक इट्स जस्ट बी वॉचिंग एवरी डे somebody at home.
लाइक इमिजिएटली नाउ इज 11th ऑफ डिसम्बर इज थोरबाज, इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल विद संजू बाबा एंड माय डायरेक्टर इज गिरीश मलिक. सो इज अ टेरिफिक डायरेक्टर. उन्होंने लास्ट फिल्म इनकी थी जल को अवार्ड्स मिले थे, जल हिंदुस्तान से ऑस्कर्स भी गई थी. तो उस किस्म के डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है वो फिल्म अच्छी ही बनी है. देन उसके अलावा एक शो मैं कर रहा हूँ ऑल्ट पे, डॉक्टर्स का एक फर्स्ट शो है. आई कैन ब्रेक इट आउट नाउ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ब्रोकन द न्यूज़ आउट. LSD इट्स कॉल्ड. सो इट्स लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स. सो इट्स अनदर पर्सपेक्टिव टू हाउ जो डॉक्टर्स को हम जानते हैं, एक और डॉक्टर्स का एक और साइड क्या होता है. देन वो आएगा नेक्स्ट ईयर. मुगल्स पे काम कर रहा हूँ निखिल अडवाणी जी के लिए, विच विल ऑल्सो भी नेक्स्ट ईयर. दैट्स ऑन अनदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दैट्स ऑन हॉटस्टार डिज्नी. तो ऑल अक्रॉस अभी मैंने बताया ना, नेटफ्लिक्स हो गया, ऑल्ट हो गया, जी के तो अभी रात बाकी है. ऑन February 5th विल कम. इनफैक्ट वो डायरेक्टर इधर ही रहते हैं मड में, उनका नाम है अविनाश दास. 2-3 days वर्क लेफ्ट. बहुत अच्छी फिल्म है, बालीगंज एक प्ले था 1981 का शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट. तो उसके राइट्स लिए थे वो प्ले राइट से, और NSD में वो कराया जाता था. और उस प्ले में कड़ी जोड़ के, उसी कहानी में एक कड़ी जोड़ के उनने ही जोड़ी है, प्ले राइट ने. तो फिल्म का नाम है रात बाकी है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी 5th February को. फर्स्ट प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है और वो Z5 पे आएगा. अविनाश दास अगर आपने जानते हैं तो इन्होंने एक नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल बनाया था, शी के राइटर थे द लेजेंडरी अपना इम्तियाज़ अली, जिन्होंने हमें रॉक स्टार जैसी फिल्में दी हैं. तो उन्होंने लिखा था, इन्होंने डायरेक्ट किया था. तो बहुत अच्छी, मतलब एक वन नाइट का बहुत एक फास्ट रैपिड थ्रिलर है, एक हू डन इट है, कुछ होता है और फिर कैसे वो एक रात की कहानी में क्या होता है. तो मतलब काफ़ी कुछ. नेक्स्ट ईयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर मी. दिस हैज़ बीन आल्सो वेरी ग्रेटफुल. चलते चलते एक और सवाल सर, आपके पिताजी पुलिस ऑफिसर थे और आप दिल्ली का किरदार करते हो और इसमें बॉलीवुड में आपको ख्याति भी मिली इस किरदार में, तो क्या बचपन से ही आपने टारगेट रखा था कि हाँ मुझे बॉलीवुड में जाके गुंडे का किरदार? मुझे ऐसा कुछ गुंडे बनने का नहीं. देखिए मैं जो स्कूल में गया था ना, वहाँ में बोला जाता था 7 रस होते हैं. अब पेंटल साहब ने मेरे से क्लासेस लिए हैं, अगर आप पेंटल साहब को जानते हो थोड़ा भी उनके बारे में, तो वो FTI में पढ़ाते हैं. इसरानी साहब ने क्लासेस ली थी, मगर क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं था. हम लोग आए थे, दिल्ली से पढ़ा हुआ, कोलंबस से पढ़ा था, टेल्को के लिए काम किया 3 महीने. तो टॉप जॉब होता है वो, एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. तो घर पे तो ऐसा कोई ख्याल नहीं था सर, मैं बताया ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे. तब एक शायद वो लोग चाहते थे कि शायद मैं IPS लिखूं, मुझे एक एंट्रेंस होता है. और मेरी रुचि उस साइड थी नहीं क्योंकि डैड का मैंने देखा बहुत हार्ड लाइफ थी, बहुत ज़्यादा. मतलब 10-10:30 से पहले मैंने विदाउट संडे उन्हें कभी देखा नहीं. कभी एक कमें याद है मुझे, एक छुट्टी ली है उनके साथ मैंने, 4 दिन के लिए गए थे हम लोग बस. मतलब जो लोग पुलिस को गालियाँ देते हैं, मैं उस घर से हूँ जो मैंने देखा है. उसके बाद डैड ने 23 years वर्क भी किया था रिटायरमेंट के बाद, 81 तक काम किया था. अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए काम करते थे, एज अ कंसल्टेंट ऑन सिक्योरिटी हेड थे. क्यों? क्योंकि काम करने की ज़रूरत थी. इट वॉज अ रेगुलर मिडिल क्लास. माई मदर वॉज ऑल्सो ऑन द टॉप, शी वॉज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल. उसके ऊपर तो कुछ नहीं होता स्कूल के में, प्रिंसिपल के बाद बंद हो जाता. PGT टीचर थी 11th-12th को जो पढ़ाते हैं. तो मतलब मैं उस घर से हूँ जब दोनों पेरेंट्स का यही दबाव था, वही जो जैसे अपर मिडिल क्लास में होता है, यार पढ़ लोगे नहीं तो क्या होगा, ऐसे वैसा. ग्रेट स्कूल कोलंबस, मे बी द बेस्ट स्कूल इन दिल्ली एट दैट टाइम. मतलब लुक एट द पीपल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ, द एक्स गूगल हेड ऑफ द वर्ल्ड, वन पर्सन हु प्लेस्ड NASA, द चैप हु इन्वेंटेड क्लियर ट्रिप, दीप कलरा इज अ बेस्ट जूनियर टू मी. तो ऑल अक्रॉस, मतलब इट्स गिवन किड्स इन ऑल अक्रॉस सोसाइटी. सो नेचुरली वो जो हमारे फैकल्टी थी कुछ कमाल ही की रही होगी. तो इंजीनियरिंग भी किया, तो मतलब ऐसे ही नहीं कि अंगूठा छाप करके मतलब इंजीनियरिंग तो नहीं हो जाती ना. तो जो आपका सवाल है मुझे थोड़ा अजीब ये लगा, क्योंकि ना आप सोचिए कि आप मीडिया से हैं,
ऐसा कुछ गुंडा और हीरो करके कोई कलाकार आता नहीं है। जब आप कला के लिए तैयार करते हैं ना, जैसे हम लोगों को, मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल सोचूंगा द लेट मुकुलानी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था, फिल्म का नाम था 10, 42 दिन का एक आउटडोर किया था। इनफैक्ट संजू बाबा के साथ ये मेरी 5वीं फिल्म थी, पहली फिल्म मेरी उन्हीं के साथ थी, तो अच्छा लगा था। इस तौर बाद में 2 आउटडोर के लिए हम लोग गए थे, किर्गिस्तान गए थे। तो उस वक्त तो यही होता है कि यार सात रस होते हैं, ऐसा है वैसा ही है हुआ, मगर उस टाइम पे सिनेमा बहुत रिग्रेसिव था, 2000 में, 2005 में, 90s में। मेरे 2022 दिसंबर को डेब्यू हुआ था, 20वां साल है मेरा इंडस्ट्री में। तो रिग्रेसिव इस तरह था कि वो एक, वो राम रावण ना बिल्कुल अलग अलग होते थे, एक कहानी में एक ये बुरा है एक अच्छा है, क्लियर होता था। अभी ऐसा रहा नहीं। अभी मैंने वो देखी है लूडो, ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स गॉट ऑनसॉम कास्ट, एवरीबडी इज़ प्लेइंग कैरेक्टर्स, मतलब हीरोज़ हैं कहने को, मगर एवरी वन हैज़ अ कैरेक्टर ओनली, मतलब ऐसा नहीं कह सकते ये फिल्म इसकी है उसकी है, वो एक ऑनसॉम की है फिल्म, क्योंकि कहानियाँ बेटर हो गई हैं। और वो श्रेय एक्चुअली किसी को भी नहीं जाता है, वो श्रेय जाता है ऑडियंस इसी को, क्योंकि तब ऑडियंस इसको वो पसंद आता था तो वो चल जाता था। एक सीधा पिक्चर ली, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी कर दी, कई बार लोग कहते थे इंस्पायर हैं और सीधी फिल्म बना देते थे। ऑडियंसेस इनोसेंट होती थी और ऑडियंसेस को अच्छा लगता था कि भाई एक बुरा एक अच्छा, एक गुड ओवर इवल स्टोरी वही होती है, और कैसे वो बोलेंगे आप स्टोरी वही इंटरेस्टिंग लगता है। राहुल जी, जो कि सबसे बड़ी अंदाजा की जो लड़ाई चल रही है अभी दिल्ली में किसानों की लड़ाई, उसके बारे में दो स्टार आपस में भिड़ गए हैं कंगना और दलजीत की बात पे क्या कहना चाहेंगे? यार एक बड़ा की बात को माना जाता है और उसको लोग मानते हैं कि उन्होंने बोला कि सही नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे यार? ये ना बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल से क्वेश्चन है और ये ना मैं फंस जाऊंगा एक और नए व्यवहार में, तो इसे मैं अवॉइड कर देता हूँ। बट किसानों को मैं इतना कहूँगा कि खाली किसानों को लेके कि यार क्या गलत कह रहा है वो आदमी, गलत कह रहा है क्या? अभी सोचो ये किसी की रोजी रोटी है, और क्या रोजी रोटी है कि वो ऐसा काम कह रहा है जिसमें सबको खाना मिलेगा, वो गलत है क्या? तो मैं ये सब विवाद को छोड़ देता हूँ। मैं खाली ये देखता हूँ कि वॉट इज़ द पर्सन वॉन्टिंग एंड वॉट इज़ द पर्सन डूइंग। चलो यार मैं तो एक एंटरटेन करने वाला हूँ, चलो लॉकडाउन हो गया, बहुत लोगों ने मतलब नॉन स्टॉप देखा होगा वो चैनल, यही होगा, मगर मैं ऐसा कोई नहीं है कि लाइफ नहीं दे रहा हूँ मैं किसी को, डॉक्टर नहीं हूँ मैं या किसी को खाना नहीं दे रहा हूँ मैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये लोग तो नोबल प्रोफेशन हैं यार, तो ये यहाँ तो पता नहीं फार्मिंग को क्यों ऐसा, बाहर फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया जाता है। और अभी आप देखेंगे अब आने वाले सालों में ना, द बेसिक प्रॉब्लम आर गोइंग टू बी सेम, ए व्हाट यू ब्रीथ, व्हाट यू ड्रिंक वाटर एंड व्हाट यू ईट फूड, दैट्स द 3 इश्यूज, यू नो। रोटी कपड़ा और मकान एक बहुत पहले मनोज कुमार जी की फिल्म थी, कि कपड़ा भी खाने से ही आता है, अभी कॉटन उगाओगे तो फिर कॉटन बनेगी तो फिर उसका कपड़ा बनेगा, सिल्क अगर वो हमारे जो वीवर्स हैं वो करेंगे नेचुरल सिल्क तो सिल्क बनेगी, या जैसे जैसे मतलब खादी अगर कोई क्रिएट करेगा तो खादी बनेगी, उससे फिर कुछ बनेगा। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू व्हाट यू ग्रो फर्स्ट, एंड फॉर ग्रोइंग यू नीड एयर एंड यू नीड वाटर एंड द राइट मेन्यू। जो मेरे ना हीरो रहे हैं मेरे पिता, उनको मैंने कभी घर में देखा नहीं लॉकडाउन, और मैं 24 जून से काम कर रहा हूँ जो कि मुझे हार्ट ऑफ लॉकडाउन। पहला आउटडोर मेरा था पंजाब, 11 दिन के लिए गए थे हम, अमेजोन का कुछ कर रहे थे हम लोग, अभी आया नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएगा। फिर उसके बाद 5 जुलाई को मुझे इंजर हुआ था राइट शोल्डर, अभी भी इंजर्ड ही है, यहाँ पर आई हूँ सेट पर काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, मुगल्स में तलवार भी चलाई है ऐसे ही कंधे के साथ। तो मेरा ये मानना है यार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोरोना छोटी चीज़ है, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ बिग चेंज इन द वर्ल्ड, इट्स प्रॉब्ली इन माई लाइफ आई हैव नेवर सीन अ चेंज बिगर देन दिस। लाइक व्हेन यू गेट माई मदर्स लाइफ, वो 47 में लाहौर से आई थी इधर जब इंडिया पाकिस्तान, तो उन्होंने वो एक जेनोसाइड देखा था, तो उनकी लाइफ में शायद वो सबसे बड़ा चेंज आज भी वो मानती हैं, क्योंकि ना घर छोड़ा आदमी ने, एक देखा ट्रेन में आ रही है, वो ट्रेन वैसी फिल्म वाली ट्रेन नहीं है जिसमें डेड बॉडीज हैं, वो रियल ट्रेन है, तो एक 8 या 7 साल की बच्ची को कैसा लगा होगा,
उसके पिता भी हैं, दो बच्चे और हैं, उनकी सिस्टर्स, उनकी माता हैं, कैसी एक इनसिक्योरिटी भावना होगी, फिर कैसे एक नया शुरुआत हुआ होगा दिल्ली में। तो इट्स अ ह्यूज चेंज। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एक इंसान आप कहीं भी देखोगे ना, एवोल्यूशन ऑफ मैन में भी देखोगे या कहीं भी, मैं स्कूल भी सोचता हूँ टीचर्स के बारे में, तो मैन ऑलवेज केप्ट ऑन इवॉल्विंग वट एवर बी द सिचुएशन। यू नो, इंसान की फितरत ही है कि इंसान वो जो भी आता है ना, सुनामी हुआ फिर एक नई शुरुआत, ये हुआ तो एक नई शुरुआत, वो इंसान की फितरत ही है कि सर्वाइव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। तो इसका भी यही होगा, कभी ना कभी इसका निकलेगा मूल अर्थ, एक कुछ निकल आएगा, एक कमाल का कोई होगा इंसान वर्ल्ड का, एक ग्रुप होगा जो कहेगा दिस इज द आविष्कार, ये लगा लीजिए और अब ठीक हो जाएंगे, नो कोरोना इन द वर्ल्ड, और फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। अभी कॉलरा में कितने लोग जाते थे पहले, स्मॉल बॉक्स में, द ग्रेट राणा अपना महाराज रंजीत सिंह जी, वन आई वॉज मिसिंग ना, उनका काणे थे एक तरफ से और निशान थे उनके पास स्मॉल बॉक्स से, तब स्मॉल बॉक्स से लोग मर जाया करते थे बहुत सारे। तो हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ एक ऐसा आता है। अभी हमारे टाइम पे हम कोरोना देख रहे हैं, कल को भगवान ना करें शायद कुछ और देखने को मिले। बट मेन थिंग फॉर मी इज़ टू कीप ऑन वर्किंग एंड विद इन दैट थिंग आई थिंक दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड। आई थिंक सम काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग इज़ टू बी रिमेंबर्ड विद इन अ प्रैक्टिकल जोन। अभी मैं तो सेट पे जाऊंगा तो उसमें बता रहा हूँ ना, 24 जून से ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक्शन भी किया उसमें, 8-8 फाइटरों के साथ सीक्वेंस भी किए हैं। तो अब ये तो करना मुश्किल होता है कि तुम कहाँ से घर से आ रहे हो, तुम किधर से आ रहे हो, उधर से कौन आ रहा है, जैसे कठिन है। तो आई थिंक काम करते जाइए और फिर देखते हैं क्या होता है। अरे कोई इनके हाथ से लेकर लेकर लगा, अरे सर उसमें और मक्खी आएगा, पता है आपको क्या है एक मक्खी आदमी को हेजड़ बना देता है, यहाँ तो कितनी है, हैं? कौन बचेगा? चल करो, एक मिनट बात स्टार्ट कर लेते हैं। लंच कैसा था पहले तो ये बताइए आप सब। बढ़िया था, बढ़िया। आपने लंच एंजॉय किया? वो अच्छी बात। अरे बिल्कुल उतारूंगा यार, क्यों नहीं उतारूंगा, जितनी देर तक पहन सकता उतने तो पहनने तो पाजी। कहो तुसी इन्नी देर च मैं थोन पहचान भी सका, तुसी मास्क पहन पाए बैठे हो। चलो 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 चलो, हाँ ठीक है, चलो शुरू हो जाए। वैसे तो खड़े होकर करते तो मजा आ गया था, खड़े होकर नहीं कर सकते ना सर। कहाँ सर, अभी अच्छा खासा जवान हूँ, बुजुर्ग कर रहे हो, बैठा के कराओ। चलो सर आई थिंक इट्स वेरी गुड। ये सब क्रिएटिव लोगों के लिए ग्रेट प्लेटफॉर्म है टू शो द टैलेंट। यहाँ पर चाहे डायरेक्टर हों, चाहे एक्टर हों, चाहे प्रोड्यूसर हों, कंटेंट क्रिएटर हों, आई थिंक सबको एक ग्रेट चांस मिलता है टू शो द टैलेंट्स एंड कम अहेड। एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि एक नया OTT यहाँ पर शुरू हो रहा है एंड आई एम गेटिंग अ चांस टू बी इन द फ्लैगशिप शो। तो रिवीलिंग का काइंड ऑफ एक्टर प्ले कर रहे हैं और जो थीम है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस शो का नाम है दुनिया गई भाड़ में, एंड इसको वापस लेते हैं। भैया कोई अंदर बोल दो साइलेंस। इस शो का नाम है दुनिया गई भाड़ में, एंड इट इज़ अ क्राइम ड्रामा। CBI ऑफिसर का रोल मैं पहली बार प्ले कर रहा हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम है राघव, एंड इससे पहले जब मैंने कॉप प्ले किया था तो वो 30 मार खां में था, एंड दैट वॉज मोर लाइक अ कॉमिक स्पूफ स्पेस। सो आई थिंक इस बार मैं एक बहुत इंटेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ विद राघव एंड दिस शो पर्टिकुलरली। जहाँ तक टीम की बात आती है, हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं मिस्टर रोहित हैं, फिर हमारे जो DOP हैं बहुत सीनियर हैं, बहुत ही सुपर्ब आई वुड से, दैट इज़ थॉमस जेवियर। ही इज़ डन सो मच वर्क एंड वी आर एक्साइटेड दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड राहुल देव साहब हैं इस फिल्म, मतलब पूरे शो में हमारे साथ, सो ही इज़ द एंटैगनिस्ट। बट आई थिंक नाउ डेज द एंटैगनिस्ट ऑल्सो इज सच अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर, सच अ प्रोमिनेंट रोल, इट रियली डज नॉट मैटर। सर,
काफ़ी चीज़ें हो रही है हाल फिलहाल में, आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, और कंगना और दलजीत ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके बीच टग ऑफ वॉर हो रहा है। कंगना इज यूजिंग शी वर्ड फॉर द प्रोटेस्टर एज सच एंड यू नो दलजीत बीइंग सपोर्टिंग सपोर्टेड बाय द प्रोटेस्टर्स। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो इशू होता है इसमें जो सेलिब्रिटी कमेंट करते हैं और कितना सोच समझ के कमेंट करना चाहिए, और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए ये जो इशू है सर, ये पूरे के पूरे देश और अभी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। यहाँ पर दिलजीत क्या बोल रहे हैं, कंगना क्या बोल रही हैं, कौन कितना बदतमीज़ है और क्या टग ऑफ वॉर चल रही है, मुझे लगता है वो बेहुदा सवाल है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, क्या किसान सही हैं या हमारी गवर्नमेंट सही है? क्या किसान जो मांग कर रहा है वो सही है, या गवर्नमेंट जो बार बार कह रही है कि आपकी APMC आपकी हटा देंगे, आपकी मंडियाँ हटा देंगे, आपका MSP हटा देंगे? सैड टू से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को अभी तक ये नहीं पता होगा कि MSP का फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दैट इज़ व्हाट मेक्स अ फार्मर सेफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अ फार्मर जो जाता है अपनी खेती बाड़ी करता है, अपना सामान बेचता है, कहाँ जाकर बेचता है? मंडी में जाकर बेचता है। मंडी अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी कुछ सालों बाद, अगर गवर्नमेंट ये कह देगी कि हम ये ऑर्डिनेंस से आपकी मंडी जो है वो है बाय द एंड ऑफ इट ब्रेक कर रहे हैं, MSP आपको सेफ करके बोल रहे हैं, अश्योरेंस बोले जा रहे हैं, अश्योरेंस वाइज आपको MSP मिलेगा। अश्योरेंस क्या होती है? आप लॉ पास करिए ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हु दिलजीत साहब इज सपोर्टिंग और हु कंगना जी इज सपोर्टिंग। आई डोंट केयर हु दे आर सपोर्टिंग, I am supporting farmers, and the most important thing is the war and the fight is against the government. For them to understand कि ये जो this is shit what is happening, it is complete shit. हमारे इतने सारे हरियाणा और पंजाब के किसान जो हैं एक जगह पर जाकर बैठे हुए हैं, दो हफ्ते तीन हफ्ते हो गए, वाटर कैनन उन्होंने अपने सीने पे लिए हैं, टेयर गैस लिए हैं। एट दिस मोमेंट पूरे हिंदुस्तान को जग कर समझ जाना चाहिए हो क्या रहा है। इस मोमेंट पर हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दिलजीत और कंगना के बीच में क्या हो रहा है, ये बेहुदा सवाल है सर। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है सर कि किसान के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है। ये मैं बस सॉरी, मैं कभी कोई पॉलिटिकल चीज़ पर इतना लाउडली बोलता नहीं हूँ, शायद पहली बार है जब मैंने बोला होगा, लेकिन ये मैं बहुत ऑनेस्टली फील करता हूँ, क्योंकि शायद मैंने बहुत करीब से पंजाब और हरियाणा को देखा है और समझा है, और समझा है ज़मीन को लेकर उनके दिल में कितना प्यार है। ये तो यही बात होगी, दुनिया में दौड़ गए, बिल्कुल हो गए, दुनिया गई बाहर में। ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो बिल है, तीन बिल को लेकर जो विरोध है फार्मर्स का, तो वो सेंट्रल ने बनाया है, स्टेट को के ऊपर है वो लागू करे या मुफ्त लागू करे, तो पंजाब ने तो लागू ही नहीं किया और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहाँ हो रहा है, इस विषय पर क्या कहना है? देखिए सर, ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ बोलती है पास करने के लिए, ठीक है, तो CM को लागू करना ही पड़ेगा। CM नहीं बोल सकता कि मैं लागू नहीं करूंगा या लागू करूंगा, वहाँ के लोग बोल सकते हैं जो हो रहा है। CM साहब ने तो कह दिया है कि लागू है, जिसके ऊपर हमारी प्रोटेस्ट चल रही है। आज आप देखें कि राजस्थान के किसान भी आ गए हैं, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के नहीं, एट दिस मोमेंट राजस्थान के भी किसान गए हैं प्रोटेस्ट करने, आप वीडियोज़ देख सकते हैं उनके, आप देख सकते हैं कर्नाटका से भी फार्मर्स जाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से भी जाना चाह रहे हैं। समझने की कोशिश करिए कि ये हर साल हो रहा है, हर साल ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 2019 में यही चीज़ हुई थी हमारे छात्रों के साथ, 2020 में अब ये चीज़ हो रही है हमारे किसानों के साथ, 2021 में अब ये चीज़ किसके साथ होगी, और उसको क्या कहा जाए? जिहादी थे 2019 वाले, खालिस्तानी हैं 2020 वाले, 2021 वाले कौन होंगे? नक्सलाइट होंगे? मैं समझ नहीं पा रहा। दिल से निभाऊंगा मैडम। इस पर सबसे पहले एक निर्णय आना चाहिए मैम, सबसे जरूरी चीज अभी वो है। इस पर अभी क्रिएटिवली हम लोग ना सोचें और इमोशनली सोचें, ये बात क्रिएटिव नहीं की जा सकती। ये बात की जाएगी तो ये बात दिल से की जाएगी, ये बात जमीर से की जाएगी, ये हर हिंदुस्तानी को महसूस करके करना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप सबका है। आप सब ही इस चीज़ को एक आंदोलन बना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने हर चीज़ जो इस साल पर हुई है उसकी हेल्प की है कि उसका कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन मिला है, चाहे कोई केस हो, चाहे कोई सुसाइड हो, हर चीज़ का एक कंक्लूजन आप लोग की वजह से मिला है। इस चीज़ का कंक्लूजन मेरे या दिलजीत या कंगना या फलाना या ढिमकाना की वजह से नहीं मिल सकता है, या आपके वजह से मिल सकता है, या पब्लिक की वजह से मिल सकता है। तो सर ये भी जानना चाहेंगे सर, वेब सीरीज को लेकर जो नया कानून आ रहा है कुछ ही दिनों में शायद आने वाला है, और कुछ लोग मतलब
कुछ गलत भी तरीके का वेब सीरीज बना रहे थे जिसकी वजह से अब कानून आना पड़ रहा है अश्लीलता को रोकने के लिए। जो कानून आने वाला है तुमने मुंह फटी बोल दिया, हाँ हाँ, तो उसको रोकने के लिए जो कानून आ रहा है बोल मैं पास तो नहीं कर रहा हूँ, तुम क्या चाहते हो, मतलब मेरा उस पर क्या सोच है? देखिए भाई वो तो सर वो उस चैनल सर देखिए वो सर पब्लिक तो पब्लिक है, आप पब्लिक को जो दिखाओगे पब्लिक देखेगी, पब्लिक को आप वायलेंस भी दिखाओगे पब्लिक वायलेंस भी देखेगी, पब्लिक को आप सुसाइड भी दिखाओगे पब्लिक सुसाइड भी देखेगी, आंखें बंद कर करके देखेगी लेकिन पब्लिक देखेगी। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल के पैसे और चैनल बना लिए सुसाइड शोर्स बनाकर सर, ठीक है, पब्लिक तो देखेगी, पब्लिक को क्या है सर, आपको दिखाना है बस, ये आपकी गवर्नमेंट या आपके ऊपर है, आप सेंसरशिप पर क्या दिखाना चाहते हो। जैसे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा इस शो के बारे में जहाँ पर मैं काम अभी कर रहा हूँ, ये शो में एक गंद या एक अश्लील चीज़ नहीं है, ठीक है, जो है वो रियलिस्टिक स्टाइल से अप्रोच किया गया है, एक गंदी चीज़ नहीं है इस शो में। जब मुझे बुलाया गया था मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने एक बार में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अ गुड OTT स्क्रिप्ट। ठीक है, मेरे लिए आप अपना सवाल वापस रिपीट कर सकते हैं भाई, मैं इनके इमोशन में खो गया था, हंसने लग गया था, बताइए। देखिए मैं ये मेरे पहली वेब सीरीज़ नहीं है, मैंने इस साल ऑलरेडी दो वेब सीरीज़ की शूट कर ली है, एंड एक MX प्लेयर के लिए है और एक जो है उल्लू और MX प्लेयर साथ में बना रहे हैं उसके लिए है, बट बिसाइड्स दैट दिस वेब सीरीज़ इज़ द वन दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। उसके कारण दो तीन हैं, सबसे पहले तो ये कि ये जुनूनी टीम है, एक नई टीम है, एक नया स्टार्टअप है, और जब मुझे हमेशा लगता है जब एक नया स्टार्टअप होता है ना आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और इस टीम का विजन क्लियर है, योर विजन इज़ क्लियर, यू नो यू आर गोइंग टू डू समथिंग, योर गोल्स आर सेट, टारगेट पॉइंट्स सेट हैं, शोज़ इनके बड़े इंटरेस्टिंग है, इनकी लॉन्चिंग डेट्स वगैरह सेट हैं, जो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता हूँ, वो लोग ही बताएं तो बेहतर, एंड ये जो पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है और शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, और मेरा कैरेक्टर एज सच मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दिस शो। देखिए सर सबसे पहले तो ड्रग्स लेना ही गलत है, ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि आप सेलिब्रिटी हैं कि आप नॉर्मल इंसान हैं, आप कौन हैं, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, ये आपके सिस्टम को एक सर्टेन इफेक्ट करता है, लेकिन सेइंग दैट आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं आज जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, कितने एक्टर, जाने दीजिए सर, कितने नेता हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, कितने ट्रक ड्राइवर्स हैं जो अफीम खा के ट्रक नहीं चलाते हैं। तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप टारगेट करिए सेलिब्रिटीज़ को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए टारगेट, और ये शायद ये बोलने के बाद मुझे भी टारगेट किया जाएगा और मेरे घर पर आके सर्च कर लेंगे, और मुझे कोई स्ट्रेस तो है नहीं, मैंने तो आज तक किया नहीं, आ जाओ जब आना है आ जाओ, सबको पता मैं कहाँ रहता हूँ, बट है ना जा, तो उस बात का तो कुछ है नहीं, बट पॉइंट ये है कि आप सेलिब्रिटी को टारगेट करके एक एक एपिसोड बनाना चाह रहे हैं या चर्चा में आने चाह रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, मे बी देर आर नॉट टू मेनी न्यूज़ हैपनिंग दिस ईयर एंड सम पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यूज, मे बी इट्स दैट। आई थिंक अभी सबसे पहले जो मेन इशू है वो फोकस पे आना चाहिए, जो इशू है हमारे किसानों का, ये चीज़ सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे किसको फोकस में लेना है और किसकी लुंगी उतारनी है। सर देखिए कोई भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं वो आपकी ख्वाहिश है, आप जाना चाहते हैं,
आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, आप आना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब अगर आप आके इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में अगर कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, अगर किसी की फैक्ट्री ऑलरेडी है और वो फैक्ट्री अपने बेटे को दे रहा है, ठीक है, और वो चाहता है उसका बेटा उस फैक्ट्री को चलाए, चाहे उसका बेटा नीचे से आके ऊपर आया है, काम किए, सब कुछ किया है, तो क्या भाई वो आदमी गलत है जिसने इतनी मेहनत करके एक फैक्ट्री बनाई थी और वो वहाँ पर दूसरी कंपनी खोलकर एक नया बंदा आकर अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो यार वो तो बंदा कोशिश करेगा ना अपना खोले, उसका आप उसके कॉम्पिटिशन हो। बट दीज आर बिजनेस थिंग्स। अभी फिलहाल मैं अगर इसको इस एंगल से देखूँ, मैं नेपोटिज्म को अपने एंगल से देखूँ, हाउ इज़ नेपोटिज्म हेल्प्ड मी, हाउ इज़ इट हेल्प्ड मी? माई फादर नेवर लॉन्च्ड मी, माई फादर नेवर मेड अ मूवी फॉर मी, रादर मैं कहूँगा मेरे पिताजी इकलौते हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पिता हैं जिन्होंने बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए फिल्म बनाई है। बब्बर हाउस ने जूही बब्बर के लिए फिल्म बनाई है, आर्य बब्बर के लिए नहीं बनाई है भाई। और जहाँ बात आती है मेरी पंजाबी फिल्म करियर की, वो भी मैंने खुद क्रैक किया है, मैंने खुद ऑडिशंस दिए, मैंने खुद काम किया। मेरा जो भी काम हो सिवाय मेरी पहली फिल्म के, हाँ मेरा पहली फिल्म मुझे शायद इस वजह से मिली क्योंकि उस समय सडनली एक फेज़ आया था कि स्टार सन्स को लॉन्च करो, क्योंकि ऋतिक साहब हिट हो गए थे तो सबको लगा था कि अरे स्टार सन्स आएंगे तो फिल्म हिट हो जाती है फ्राइडे को, तो हम सब लॉन्च हुए थे, तुषार भी हुए थे, हम भी हुए थे, विवेक भी हुए थे, फिर कुछ वक्त बाद शायद भी आए थे, तो ऐसे ही हम दो चार आए एंड उस दौर में हम भी आए। अगर अब फिल्म अच्छी नहीं है तो फिल्म नहीं चलेगी, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसके बच्चे हैं, आप किसकी औलाद हैं, आप किसके पड़ोसी हैं। मैं एग्जैक्टली वो निभा रहा हूँ जो मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ। मैं इतना ज़्यादा कैरेक्टर में बैठ गया हूँ अभी कि मैं उसी तरीके से बात करना शुरू कर चुका हूँ मैडम। मैं कर्ट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे मालूम है मेरे को क्या बोलने का है, मेरा दिमाग सेट है और मैं एक CBI ऑफिसर हूँ। मैं आऊँगा और मैं क्राइम सॉल्व करूँगा। और एक और चीज़, दुनिया गई भाड़ में। हाँ आप फिक्र मत करिए, उसको मैंने ज्यादा मारा था। आप जब अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो कितना उसमें डूब जाते हैं कि जो आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बिल्कुल एक अच्छा कैरेक्टर लोगों तक पहुंचे? आप क्या मतलब इंडिकेट कर रही हैं कि मैंने सच में मार खाई है कि नहीं? नहीं, आप अपने कैरेक्टर में कितना डूब जाते हैं, क्वेश्चन का मेरा क्वेश्चन है। मैं बहुत ज्यादा कैरेक्टर में जाने की कोशिश करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपने डायरेक्टर के साथ और स्क्रिप्ट के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आधे से ज़्यादा कैरेक्टर जो होता है वो स्क्रिप्ट में होता है और सिर्फ डायलॉग्स में नहीं होता, वो दूसरों के सीन्स में होता है, वो राइटर ने जो डायलॉग के बीच में जो नरेशन नरेटिव पार्ट लिखा होता है उसमें होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी एक्टर, फॉर एनी डायरेक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।